योगेश क्या कहेंगे जिस तरह से स्वागत हुआ है? स्वागत तो बहुत बढ़िया हुआ है और वापिस आके काफी टाइम बाद आया हूँ तो अच्छा लग रहा है। परिवार से मिले हैं? हाँ हाँ, पहले परिवार से ही मिले और काफी समय हो जाता है प्रैक्टिस करते हुए, और चार साल के बाद फिर से दोहराना तो खुशी होती है। क्या है भविष्य का टारगेट अब? अभी टारगेट तो छोटा ही है, आगे धीरे धीरे। अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप आ रहा, अपकमिंग एशियन गेम्स हो गया, फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप, फिर एलए को देखेंगे। तो अभी तो मेन टारगेट नेक्स्ट ईयर का ही है, वर्ल्ड चैंपियनशिप का। प्रधानमंत्री से मिले, क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? पीएम से मिले थे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस, और उनसे मिलके एक अलग स्पार्क और एक अलग मोटिवेशन मिलता है, और वो हमेशा से वही मिलता हुआ आया, तो आगे जाके भी जाएंगे तो यही इच्छा होती है कि उनसे बार बार मिले। यूथ के लिए कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि हार्ड वर्क करें, क्योंकि एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती रहती है। किस तरह का सफर रहा है आपका, परिवार का सपोर्ट किस तरह का रहा? हाँ, सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है हमेशा से, क्योंकि एक बैकबोन होता है खिलाड़ी की, फैमिली स्ट्रेंथ होगी, चाहे वो पूरा भारतवासी हो, तो वो एक स्ट्रेंथ रहती है उनकी, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ तक पहुँचने में जिस तरह का संघर्ष आपने किया है, और युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि फैमिली सपोर्ट के बगैर भी कुछ नहीं होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, अगर करना चाहे तो कुछ भी हो सकता है, और एक फैमिली सपोर्ट से एक मेंटली सपोर्ट ज़्यादा हो जाता है, और मेंटल स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा अच्छी रहेगी उससे खिलाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छे से बेहतर परफॉर्म कर सकता है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.